तो वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो कॉन के एसी की। तो बिजली के बिल को कम कैसे करें? तो जो हमारा एसी होता है, ये 1.5 टन का एसी है, तो चलाने का तरीका सही क्या है, तो इस वीडियो में हम इस बात में बताएंगे। तो आप दिन के हिसाब से कैलकुलेट करके देख लेंगे कि आपके मीटर की यूनिट कितनी खपत हो रही है। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, आपने कुछ सेटिंग करनी होगी इसमें, जिससे कि आपका बिल है जो हम बहुत कम आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले टेम्परेचर है जो आपको वो करना होगा 26, ये 26 की कूलिंग रखनी है आपने। अब फैन स्पीड दिखाता हूँ मैं आपको, ये 3 गुना है, मतलब 3 गुना ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा है ये, तो इसको कम करेंगे। अब मैंने इसको 1 पे ले आया तो तभी भी कूलिंग उतनी ही दे रहा है ये, ठीक है। रूम के टेम्परेचर को एक लेवल पे सेट कर लेगा ये। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं आप, स्विंग ऑन है, बीच में देखेंगे ध्यान से तो स्विंग हो रहा है ये, तो इसको हम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑफ कर दिया है। तो इस तरह से आपने इसकी सेटिंग करनी है। ये सेटिंग करने के बाद पहले आपने जो 18 पे मैंने चलाया हुआ था उसकी 2 घंटे की बिजली की यूनिट देखनी है मीटर में कि कितनी खपत हुई है। उसके बाद ये सेटिंग करने के बाद 2 घंटे के बाद जाके आपने मीटर चेक करना है कि अब जो खपत है वो कितनी हुई है। तो इस तरह से आप दोनों का जब एवरेज निकालेंगे घंटे के हिसाब से कितनी खपत है, तो आप जब मंथली कैलकुलेट करेंगे, मंथ के हिसाब से जब कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि जो बिजली का कंजप्शन है उसमें 60-40 रेशो हो जाएगा आपके बिल का। तो इस तरह की सेटिंग करें आप इसको, या इसको जो पावर सेवर मोड है उसको ऑन करने के बाद इसकी स्विंग को बंद कर दें, क्योंकि जब हम पावर सेवर का ऑप्शन ऑन करते हैं तब वो हमारी जो स्विंग का ऑप्शन है वो चलता रहता है, तो उसको भी हमें कम करना है। फैन स्पीड को कम करना है, टेम्परेचर को 26-25 पे रखें। तो इस तरह की सेटिंग करने के बाद और इसको कूल मूड पे रखें, तो आप देख सकते हैं 2 घंटे या 4 घंटे जो भी आपके लिए सुटेबल हो, या 1 दिन के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करके अपना मीटर का जो कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी की वो काउंट करके देखेंगे, तो आपको 60-40 या 70-30 का रेशो भी मिल सकता है। आपके एसी के साइज़ पे डिपेंड करता है कि आपके एसी कितने टन का है।